So this is just a makeshift arrangement that I'm shooting with at the basement garage of where I live at the society, and I'm using the wireless microphone of Digitech. Hopefully the audio is getting picked up nice and crisp, though the wind muff is not there. This is just a quick video as to tell you that मैंने जब ये बाइक लिया तो मैंने कौन कौन सा चीज़ शोरूम से लगवाया और सम पॉइंट्स दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस बाइक राइट ऑफ द बैट एंड सम पॉइंट्स आई डिडंट लाइक. लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट. चलो आपको दिखाता हूँ. स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये जो विंडस्क्रीन आप देख रहे हो ये टॉल विंडस्क्रीन है. मैंने शॉर्टर वाला लिया था, पहले चूज़ किया था. शॉर्टर वाला इज़ ऑफ द सेम लेंथ ऑफ दैट ऑफ KTM एडवेंचर बाइक. थोड़ा सा छोटा ही होगा उससे शायद, बट वो उनके स्टॉक में नहीं थे. वो 2000 रुपए के थे, ये 2700 रुपए का लिया उन्होंने. जब मैंने कंपनी से लिया था, ये जो लेग गार्ड आप देख रहे हो ये लेग गार्ड मैट फिनिश पाउडर कोटेड ग्रे में थे. इट वॉज लुकिंग गुड, बट गोइंग विद द थीम ऑफ द बाइक एवरीवन टोल्ड मी दैट ब्लैक वाला लगवा लो अच्छा रहेगा. एंड एज अ पार्ट ऑफ माई परचेज ऑफर दिस वॉज इंक्लूडेड इन दिस, सो इसके कोई पैसे नहीं लगे. तो मैंने ग्रे वाला हटवा के ये वाला कर लिया. नेक्स्ट अप, ये जो नीचे आप छोटू सा एक लेग गार्ड देख रहे हो ये वाला, ये एरिया ये मैंने लगवाया अलग से. इसका प्राइस मैं भूल गया एग्जैक्टली, आई गेस 900 रुपये के आसपास कुछ ऐसा कुछ लगा था इसका. नेक्स्ट मैंने ये लगवाया जो कि है इसका सैडल स्टे. नॉट दैट आई यूज़ अ सैडल बैग बिकॉज आई यूज़ अ वायटेरा मिनी क्लॉ जो मैंने लद्दाख ट्रिप में भी आपको दिखाया था. बट दिस, अब इस एंगल से देखोगे ना, इट एड्स टू द एस्थेटिक्स ऑफ द बाइक. तो मेरे को ये अच्छा लगा, प्लस कभी मैं सैडल बैग यूज़ करूँ तो आई हैव द रेडी थिंग्स विथ मी. इसके साथ सैडल स्टे का ही एक पार्ट आता है ये जो आप देख पा रहे हो. शायद मैं कलर ग्रेड में बूस्ट कर दूंगा, थोड़ा सा अंधेरा होगा. तो दिस इज़ अ हेलमेट लॉक, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस सैडल स्टे किट. नाउ नॉट दैट आई विल बी यूजिंग दिस, मैं यहाँ पे कभी अपना हेलमेट टांग के नहीं छोड़ूंगा. तो इट्स जस्ट गुड टू हैव अ फीचर. सारी गार्ड इसमें आपको पता होगा, शायद मैं एक पिक्चर डाल दूंगा, इसमें डबल सारी गार्ड आता है. एक जो नॉर्मल जाली सा बना आता है बारबेक्यू फ्रेम जैसा, उसके ऊपर एक प्लास्टिक वाला जो होंडा देता है वैसा वाला. तो मैंने बोला दोनों को ही हटवा दो, इट बूस्ट द लुक ऑफ द बाइक विदाउट द सारी गार्ड. तो यही थे जो मैंने एक्सेसरीज राइट ऑफ द बैट कंपनी शोरूम से लगवाया. ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराया. कुछ चीज़ें मेरे को करवानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे अभी देख पा रहे हो बाहर, शायद कैमरा उठा पाएगा, कि बारिश हो रही है. और इस बारिश में इस बाइक की एक मेजर डिसएडवांटेज कंपनी से होके आता है, वो है ये. कोई भी आप YouTube वीडियो देखोगे ना, इस बाइक का जो रिव्यू वीडियो है, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को गारंटीड मिलेंगे कि इसका जो मड फ्लैप है बहुत बेकार है. इससे पूरा जो मड स्प्लैश है पूरा राइडर तक पहुँच जाता है. सेम गोज विद द पिलियन थिंग. तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो एक खाली कोई टायर हगर नहीं है. तो ये ना होने की वजह से क्या है, तो इसका जो पूरा स्प्लैश उठ के एकदम सीट तक आ जाता है और राइडर के पीठ तक, या तो अगर पिलियन है पिलियन के पीठ तक आ जाता है. दिस थिंग इज़ अ फ्लॉ इन माय बुक्स. तो जो मैं बता रहा था कुछ चीज़ें आई डोंट लाइक अबाउट दिस बाइक, दिस इज़ जस्ट वन ऑफ देम. एंड वन अनदर वेरी इरिटेटिंग पॉइंट फॉर मी ऑन दिस बाइक इज़, जब आप इसको ऑन करते हो, जब आप नॉर्मल मोड पे भी चलाओगे, इसके जो ये सामने का जो इंडिकेटर है ना, ये कॉन्स्टेंट ऑन होगा. तो दिस टू मी गिव्स अ फीलिंग दैट कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हो गया हो, इसलिए मेरे ख्याल से ये दो लाइट कॉन्स्टेंट ऑन हो रखा है. जबकि कंपनी बोलती है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द DRL, बट आई डोंट फाइंड दिस लॉजिक एट ऑल एक्सेप्टेबल. काफ़ी बेकार फीचर लगा मेरे को ये. तो इसको देने का कोई ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल यहाँ पे जो DRL है वहाँ पे ये वाला जो DRL है इसको ऑन रखो, बाकी इंडिकेटर ऑफ रहना चाहिए था. और इसमें क्या होता है, जब इंडिकेटर आप ऑन करोगे क्या होता है मैं दिखा रहा हूँ. तो जब आप इंडिकेटर ऑन करते हो दिस इज़ हाउ इट बिहेव्स. सो जो स्टेडी थे दोनों, जिस साइड का आप इंडिकेटर दोगे उस साइड का फ्लैश होगा, दूसरे साइड का ऑन रहेगा. दिस ऑल्सो लीड्स टू अ कन्फ्यूजन टू द वन कमिंग फ्रॉम योर फ्रंट. सो उसको भी एकदम से देख के पता नहीं चलेगा. थर्ड एंड द टॉप मोस्ट थिंग दैट यू विल गेट टू हियर इन एवरी हाइनेस और CB350 वीडियो इज़ अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ दिस. पता नहीं है होंडा ने क्या सोच के बनाया था ये. एक्चुअली लीड्स टू अ प्रैक्टिकल कन्फ्यूजन. ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, बट देन अगेन दिस एक्चुअली इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. मेरे साथ तो बहुत हो रहा है इन दिनों. और एक चीज़ इसी रिलेटेड मैं कहना चाहूँगा, ये जो बल्ज है ना डिज़ाइन का, ज़ूम कर दूँ, ये जो बल्ज है, इस बल्ज वाला एरिया को, इस बल्ज ऑफ दिस बटन शुड हैव बीन ऑन दिस साइड. बिकॉज नॉर्मली जब आप चलाते हो आपका हैंड प्लेसमेंट ऐसा होता है, ठीक है, और आपका जो हाथ है ऐसे तो जा रहा है, बट इस साइड से आपको प्रेस करने में काफ़ी दिक्कत होगी व्हेन यू आर राइडिंग द मोटरसाइकिल.
what I feel it should have been in an inverted posture. So ये जो bulge है इस साइड होना चाहिए था. अब इस साइड से देखो हाथ ऐसे जा तो रहा है बट इस साइड में आपको हॉर्न बजाने में दिक्कत होगी. ये देखो ये नहीं हो रहा है ना, तो आपका हाथ इस साइड पे लेके जाना पड़ेगा. तो स्विच बिहेव्स लाइक ऐसे. तो दिस थिंग शुड हैव बीन ऑन दिस साइड. बाकी कंसोल इसका तो आपको पता ही है, नया क्या ही दिखाऊं. एक चीज़ का और आदत डालना पड़ेगा कोई भी ये बाइक लेता है तो, बिकॉज इन दीज मॉडल्स व्हाट हैपेंस इज दिस इज इंटीग्रेटेड. सो आपको एक बार ये ऑन करना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर जैसे आपका जो FI पंप है वो ऑन होता है, जो इग्निशन जो FI का जो साउंड आता है पंप का, उसके बाद आपको ये दोबारा से डबल प्रेस करना है. मैं क्या कर रहा था शुरू के दिनों में, मैं इसको प्रेस करके ही दोबारा ऐसे 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 कर रहा था जिससे बाइक स्टार्ट नहीं होगी. सो वंस यू डू दिस यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड, हियर द FI साउंड. वंस इट कम्प्लीट्स देन यू डू दिस एंड देन द बाइक आई मीन कम्स टू लाइफ. Other than that, it is an absolutely enjoyable bike. So before the battery runs out, because it's at 10% right now, किसी भी वक्त बंद हो सकता है. This was the short experience video and what I liked and what I don't like about this bike. अगर आपको वीडियो पसंद है आपको पता ही है क्या करना है. मैं बार बार एक ही चीज़ दोहराना नहीं पसंद करता हूँ. इस वीडियो में इतना ही. मिलता हूँ ऐसे ही किसी हेल्पफुल एंड लॉट्स मोर कॉन्टेंट एक्चुअली वुड बी कमिंग अप ऑन माई चैनल ऑन दिस पर्टिकुलर बाइक एज एंड व्हेन टाइम पासिस बाय. सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, राइड हार्ड, राइड रिस्पॉन्सिबली. दिस इज योर होस्ट एयर मोटर व्लॉग्स सम्राट साइनिंग ऑफ. बाय बाय.